दोस्तों आज हमारे पास है रिसेंट लॉन्च हुई सुजुकी की एक्सेस 125। ऐसा मॉडल आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। आप पहले देखो, यहाँ पे आपको विंडशील्ड मिलने वाला है और यहाँ पे देखो आपको क्रोम के एलिमेंट काफ़ी सारे भर भर के देखने को मिलने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे भी आपको क्रोम देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे भी आपको क्रोम देखने को मिल जाएगा और ये फ्रंट यहाँ भी मिलने वाला है। और सामने से इसका लुक कुछ ऐसे निकल के आने वाला, बहुत ही कड़क दिख रही है दोस्तों। और भी इसमें एक्स्ट्रा मिलने वाला है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ साइड में देखो, यहाँ पे भी आपको क्रोम के एलिमेंट देखने को मिल जाते हैं और इधर भी है दोस्तों। इसकी प्राइस सब कुछ आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस एंड वेरिएंट की। वेरिएंट की बात करें तो आपको तीन वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं। जो बेस मॉडल रहने वाला है उसकी ऑन रोड प्राइस मुंबई की आपको पड़ने वाली है 1,07,000 रुपए। मिड वाली वेरिएंट की आपको पड़ने वाली है 1,12,000 के आसपास। और ये जो हमारे पास है ये टॉप मॉडल है, ब्लूटूथ वाला मॉडल है दोस्तों। पहले मैं आपको मीटर कंसोल ऑन करके दिखा देता हूँ। सो कि यहाँ पे मिलने वाली है और ये रहा इसका मीटर कंसोल। आपको इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। इसकी ऑन रोड प्राइस आपको मुंबई की पड़ने वाली है 1,19,000 रुपये। और अभी मैं आपको बता देता हूँ ये एसेसरीज आपको कैसे मिलने वाली हैं। सो इस एसेसरीज का आपको एक्स्ट्रा मतलब पे करना पड़ेगा, जो मैंने ऑन रोड प्राइस बताई है। उसके अलावा आपको टोटल पे करना पड़ेगा 2,400 रुपये के आसपास। सिर्फ 2,400 रुपये में ये सारी एसेसरीज मिल जाएगी। पहले आपको यहाँ पे विंडशील्ड मिल जाएगी जो कि बहुत ही अच्छी दिख रही है। और यहाँ पे देख सकते हो आपको क्रोम के एलिमेंट यहाँ पे और ये मिल जाएगा। एंड ये साइड में भी आपको मिलने वाला है एंड फ्रंट यहाँ पे मिलने वाला है। एक बार सामने से फिर से आप देख लो और साइड का दिखा देता हूँ। साइड का ये यहाँ पे मिल जाएगा क्रोम एलिमेंट और इधर भी मिल जाएगा, जो कि देखने बहुत ही कड़क दिखता है दोस्तों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीटर कंसोल की, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे अपडेट देखने को मिल जाते हैं। पहले नंबर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, साथ में आपको बड़ा सा डिस्प्ले मिलने वाला है। एक बार मैं आपको ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ, ये ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। तो इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, इसकी वजह से आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन भी मिल जाएगा। साथ में कॉल मैसेज अलर्ट बताने वाला है, अगर आप ज़्यादा स्पीड में स्कूटर को चलाते हो तो वो भी आपको अलर्ट करके बताएगा। और भी काफ़ी सारे कुछ फीचर्स मिल जाते हैं इसमें। ETA आपको मिल जाएगा, साथ में E20/2 का अपडेट तो मिलता है। यहाँ से आप सेट से कर सकते हो, बाकी इंडिकेटर यहाँ पे शो करेंगे। टाइम भी आपको बताने वाला, फ्यूल का स्पीड, ओडोमीटर। एक बार मैं फिर से आपको ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। सो ये कुछ ऐसे दिखने वाला है। और हैंडल बार की अगर हम बात करें तो आपका थ्रोटल, ब्रेक लीवर, किल स्विच यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। और इधर की बात करें तो आपका अपर डिपर, इंडिकेटर, हॉर्न ऐसा कुछ रहने वाला है। ब्रेक लीवर, मिरर का व्यू आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा। तो सामने से ये स्कूटर कुछ ऐसे दिखने वाली है अगर आप हैंडल बार देख रहे हो तो। और उसके नीचे आते हैं, यहाँ पे आपकी की लगने वाली है दोस्तों। डुअल की आपको मिल जाएगी, लॉक एंड लॉक ऐसे होने वाला है। हुक आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और यहाँ की बात करें आपको फ़ोन चार्ज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे आपको स्पेस मिलने वाला, आप एक पानी का बोतल या फिर मोबाइल यहाँ पे रख सकते हो आप। तो इसको मैं लॉक कर देता हूँ। सो यहाँ का स्पेस आप लोगों ने देखा ऐसा कुछ रहने वाला है। फुट स्टेप से आपको मैट मिलने वाला है, एक्सेस 125 लिखा हुआ देख सकते हो, अच्छी खासी क्वालिटी का आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे भी आपको एक हुक मिल जाता है, यहाँ पे आप बैग रख के कैरी कर सकते हो। और अभी हम थोड़ा साइड से देख लेते हैं, तो साइड से स्कूटर कुछ ऐसे दिखने वाली है। ये रहा इसका साइलेंसर, साइलेंसर कवर आपको क्रोमर के साथ में मिलने वाली है। और आपको फ्रेम भी साथ में मिल जाएगा जो कि मेटल का रहेगा और आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाला है। एक्सेस 125 की ब्रांडिंग 3D मिल जाएगी, राइड एंड कनेक्ट की यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है। ये रहा पिलियन राइडर स्कूटर जो कि फोल्डेबल रहेगा। इस स्कूटर का भी हम फुल व्यू देख लेते हैं। सो राइट से ये स्कूटर कुछ ऐसे दिखने वाली, बहुत ही कड़क लग रही है इस कलर में। और इसकी हेडलाइट की भी हम बात कर लेते हैं। सो हेडलाइट आपको LED मिल जाती है जैसा कि आप देख पा रहे हो। एंड क्रोम के एलिमेंट, नंबर प्लेट यहाँ पर लगने वाला है। और इंडिकेटर आपको हैलोजन नंबर मिलने वाला है। DRL यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो कि LED रहने वाला है। तो ओवरऑल फ्रंट से स्कूटर कुछ ऐसे दिखेगी। और अभी हम बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशन। फ्रंट में आपको सस्पेंशन मिल जाएगा टेलीस्कोपिक, एरियर में आपको मिलने वाला है स्विंग आर्म सस्पेंशन जो कि सिंगल साइड रहने वाला है। यहाँ पे आप अंदर देख सकते हो और इसको 3 टाइम एडजस्ट भी कर सकते हो, जैसे आपको राइड या जैसे आपकी हाइट हो, जैसे आपको सूटेबल लगे। और अभी बात कर लेते हैं इसके टायर की। टायर की बात करें 90x90 सेक्शन का आपको फ्रंट का ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा। एंड व्हील की बात करें, लोअर व्हील मिल जाएगी जिसकी साइज 12 इंच रहेगी। डिस्क ब्रेक दिया है फ्रंट में, रियर में ड्रम ब्रेक मिलने वाला है। एंड ब्रेकिंग सिस्टम आपको सीवियस मिल जाएगा। ब्रेक कैलिपर काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको निपिन का। और भी बात कर लेते हैं रियर टायर की प्रोफाइल के बारे में। ये है रियर टायर प्रोफाइल, जैसा कि आप देख पा रहे हो। रियर का टायर साइज एक बार पहले ढूंढ लेते हैं। हाँ, 90x100 का मिलने वाला है। व्हील साइज आपको 10 इंच की मिल जाएगी, लो व्हील रहेगा, ड्रम ब्रेक रहने वाला है। ब्रेकिंग सिस्टम वही आपको सीवियस मिलने वाला है। और ये रहा इसका इंजन, किक आपको इस बाइक में मिल जाते हैं जो कि अच्छी बात है। डुअल स्टेन आपको मिल जाएगा, साइड स्टेन का टॉप सेंसर भी आपको मिलने वाला है। ये रहा आपका लेडीज़ फुटरेस्ट, एक्सेस 125 की ब्रांडिंग, क्रोम के एलिमेंट, बहुत ही गजब के लग रहे हैं दोस्तों। पहले हम इसका फुल व्यू देख लेते हैं।
लेफ्ट साइड से। सो लेफ्ट साइड से स्कूटर कुछ ऐसे दिखने वाली है भाई, इस कलर में बहुत ही कड़क दिख रही है और ज़्यादातर ये कलर बिकता भी है। और इसमें एक नया कलर है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये कलर। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने ना देखा हो जाके देख सकते हो। तो फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं इसकी, इंजन की बात कर लेते हैं अभी हम। इसमें आपको इंजन मिलने वाला है 124 cc का, एंड पावर आपको मिलने वाली है इसमें 8.7 PS की एट 6050 RPM पे। टॉर्क मिल जाएगा 10 न्यूटन मीटर का एट 5500 RPM पे। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर, फोर स्टॉक, टू वॉल्व, एयर कूल या फाइव, साथ में आपको ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलने वाला है जिसे बोलते हैं CVT। इसमें आपको इंजन ठीक ठाक मिल जाता है, तो परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। और सीट आप पहले देखो कितनी लंबी चौड़ी आपको सीट मिल जाती है। एक्चुअली ये जो है इसके ऊपर कवर लगाई गई है, और ऐसे कुछ आपको गहरे मिलने वाले हैं ब्लैक एंड ग्लोसी फिनिश के साथ में। और सीट हम ओपन कर लेते हैं, सीट यही तो ओपन होने वाली है, ये सीट ओपन हो गई है। वन मिनट, शायद मैंने सीट ओपन नहीं की, ये वन मिनट, अभी सीट ओपन हुई है, आवाज़ आती है। तो ये रही इसकी सीट, ओपन होने के बाद कुछ ऐसे दिखने वाली है। स्पेस यहाँ पे आप देख सकते हो, एक हेलमेट रख सकते हो, शायद ये हाफ है, तो एक हाफ वाला हेलमेट रख सकते हो आप, या फुल वाला भी आ जाएगा शायद, एंड थोड़ा बहुत स्पेस बचेगा, ऐसा कुछ आप कैरी कर सकते हो। और इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। और ये रहा इसका फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको 5 लीटर का मिलने वाला है। माइलेज मतलब कंपनी से ज़्यादा क्लेम करती है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इसमें माइलेज मिलने वाला है लगभग 35-40 के आसपास। अभी हम बात कर लेते हैं इस स्कूटर के डायमेंशन के बारे में। तो इसकी लेंथ आपको मिलने वाली है 1870 mm, और विड्थ है इसकी 690 mm, हाइट है 1160 mm, व्हील बेस आपको मिलने वाला है इसका 1265 mm, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा मिल जाएगा इस स्कूटर का 160 mm के आसपास, और सीट हाइट है 773 mm, इसका वेट है 103 kg। तो दोस्तों आप लोगों ने जाना इस नए स्कूटर के बारे में, इसमें अभी आपको एक्सेसरीज का ऑप्शन मिल जाता है जो कि पहले भी मिलता था, लेकिन शायद आपको ना पता होगा, लेकिन एक्सेसरीज लगने की वजह से काफ़ी खूबसूरत लगती है स्कूटर। और साथ में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, कॉल एट मैसेज एट, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं। तो यही अपडेट हुआ है, और इस स्कूटर कौन कौन लेना चाहता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये बताना इस एक्सेसरीज के बारे में आपको पता था कि नहीं था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।